मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता हुई आयोजित। शक्ति विधान महिला घोषणा पद देकर महिला को किया सम्मानित। भाजपा सरकार पर बोला जोरदार हमला। मीडिया के सवालों में घिरे कांग्रेस महासचिव। दरअसल जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में बौखलाहट शुरू होती हुई नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद की, जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख जनपदों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जहाँ मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पार्टी के खिलाफ जोरदार हमला किया जाता है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन चौधरी द्वारा मुरादाबाद में रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि इस सरकार में आधे से ज्यादा गुंडे शामिल हैं। इतना ही नहीं, आगे कहा कि इस भाजपा सरकार ने किसानों के खून से अपने हाथ रंग लिए हैं। आगे कहा कि इस भाजपा सरकार ने जनता के साथ किया है अत्याचार, भ्रष्टाचार और झूठे वादे, जनता सब जान चुकी है। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन चौधरी से एक सवाल किया, कहा कि सचिन चौधरी जी, आप पर अवैध कब्जा करने का पहले भी आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, और वहीं फिर आज भोजपुर थाने में आपके खिलाफ जमीन पर धोखाधड़ी कर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है, आखिर क्यों आप पर बार बार अवैध कब्जा करने का आरोप लगता है। वहीं मीडिया कर्मियों के इस सवाल से बौखलाए सचिन चौधरी ने कहा कि मेरी कौन सी जमीन, मेरी कोई जमीन भोजपुर थाना क्षेत्र में नहीं है, मैं जानता ही नहीं किसने मेरे के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वे की जाए। 15 से 20 दिन अलग से दिए गए थे महिलाओं के लिए कि वो अपना आवेदन कर सके, और बहुत अच्छे से महिलाओं को सर्व किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको पहली सूची में ही बहुत सारी महिलाएं देखने को मिलेंगी जो प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। इस बार कितनी सीटें ला रही है आपकी पार्टी? ये मैं भगवान थोड़ी ना हूँ कितनी सीटें ला रही है। सरकार बनाने के लिए प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को मुद्दा उठाने के लिए कांग्रेस की जरूरत। और एक चीज मैं और बता दूंगा, 30 सालों से हम प्रदेश में नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी है, और बिना किसी लालच के। हमने दंगे नहीं कराए, आज सरकार कहती दंगे नहीं हो रहे, अब जब कराने वाले ही चोर के हाथ में चाबी है तो दंगा कैसे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में दंगा कराने वाले सरकार में, दंगा होगा कैसे? बीजेपी दंगा कराती है, सबको पता है। मुजफ्फरनगर किसने कराया? देखिए सपा और बीजेपी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स देश में आए होंगे, कभी किसी को लेके, जाति धर्म को लेके, जुहाव ने ऑफर लेकर बहुत सारी चीजें हुई। पहली बार आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए अलग से मैन्युफैक्चर बनाकर आपके सामने रखा जा रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को कमजोर करने का काम किया, उनको सिर्फ घर पे बैठ के खाना बनाने वाला बताया, कुछ पार्टियों ने बच्चा पैदा करने का बताया, कुछ पार्टियों ने शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। प्रियंका गांधी जी ने, खुद महिला है वो, उन्हें पता है कि महिला का जीवन कितने संघर्षों से भरा हुआ है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का अगर सफर देखें, मेरी भी माता हैं, बहनें हैं, सभी के परिवार में महिलाएं। महिलाओं के लिए क्या है? कोई सरकार ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम की वोट चाहिए, दलित की वोट चाहिए, बीसी की वोट चाहिए, जनरल की वोट चाहिए, उसके लिए सारे लुहावने ऊपर आते हैं। तो इसके लिए जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा भवों को प्रतिमा 10,000 रुपये दिया जाएगा, उन्हें सशक्त किया जाएगा। साल में 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, जो बीजेपी सरकार बोलती थी कि 1 सिलेंडर हम फ्री देंगे, एक भी सिलेंडर फ्री नहीं दिया है। हमारे यहाँ 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मौजूदा सार्वजनिक और निजी नौकरियों में उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। घरेलू कर्मचारियां विशेषकर महिलाओं को माननीय कार्य दशाओं का पालन के लिए सरकारी विभाग स्थापित किया जाएगा। राज्य में जितने भी राशन की दुकानें होंगी 50% की भागीदारी दी जाएगी।
20 लाख नौकरियों में से सीटों में दी जा रही है आपके सामने है, जो कि आपको पहली सूची में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूत करेंगे तभी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। अगर हम महिलाओं को कमजोर करने की साजिश जो बीजेपी ने और पुरानी पार्टियों ने की है, उससे हमारी महिला कमजोर हुई है। और अब हम चाहते हैं, प्रियंका जी चाहती हैं, कि जो अधिकार पुरुषों के हैं चुनाव लड़ने के हो